एवरीवन, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन का, जिसका नाम है एलएफटी, यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी। एलएफटी में मैं क्या क्या पढ़ूंगा, एलएफटी में मैं सारे ओक्टाहेड्रल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ूंगा, सारे सिग्मा डोनर के केस, पाई डोनर का केस, पाई एक्सेप्टर का केस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं टेट्राहेड्रल का पढ़ूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर प्लेनर का पढ़ूंगा, सारे छोटे से छोटे बेसिक देखूंगा। देखो एलएफटी है क्या, एलएफटी की अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से एडवांस सीएफटी है, एडवांस सीएफटी है, मतलब एडवांस सीएफटी है। एडवांस सीएफटी क्या है, एक्चुअली में जो मेरी एलएफटी है वो एमओटी प्लस सीएफटी का कॉम्बिनेशन है। किसका? MOT प्लस CFT का कॉम्बिनेशन, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होते थे ना मेरे कोवलेंट में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वही और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है मेरा LFT। देखो अब मुझे LFT की जरूरत क्यों पड़ी, सीधी सी बात है, देखो सिंपल लाइफ की बात है, जब पुराने में कोई ना कोई कमी होती है तो तब नया आता है। बिल्कुल लाइफ से रिलेट करो कि पुराने में कहीं ना कहीं कुछ कमी होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, तभी हमें किसकी जरूरत पड़ी, न्यू की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, न्यू, जो सारी की सारी लिमिटेशंस को कवर अप कर सके, ठीक है जो पुराने में कमियां थी वो नहीं में नए में थोड़ा ना रखेंगे, सेम कमियां वाला थोड़ा ना ढूंढेंगे नया, फिर क्या ही फायदा होगा पुराने को छोड़ने का, ठीक है। तो हमें नए वाला ढूंढना है, जो हमारे पुराने की कमियों को दूर कर सके। तो देखते हैं, बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, कि ये सीएफटी की लिमिटेशंस क्या थी, इनसे पढ़ के स्टार्ट करते हैं अपनी एलएफटी को। तो सबसे पहले मैं देखूंगा लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, क्या देखूंगा, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, कि सीएफटी की लिमिटेशंस है क्या क्या। सीएफटी की लिमिटेशंस अगर मैं पहली बात करूं तो ये सिर्फ कंसीडर कर रहा था, हमने देखा है कि डी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहा था, पी ऑर्बिटल मेटल की कोई बात नहीं कर रहा था, एस ऑर्बिटल की कोई बात नहीं कर रहा था, कंसीडरिंग ओनली डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स को कंसीडर कर रहा था। सबसे पहली बात करूँ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स, नो टॉक लिख दो या नॉट कंसिडरिंग, नॉट टॉक अबाउट पी और एस ऑर्बिटल, पी और एस ऑर्बिटल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, ठीक है। दूसरा बात करूं मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड था उसको ये क्या कह रहा था, प्योरली आयनिक, और जबकि कोई भी बॉन्ड क्या नहीं हो सकता, प्योरली आयनिक मतलब 100% आयनिक नहीं हो सकता, पर ये तो आयनिक मान रहा था, ठीक है। दूसरी बात करूं जो मेरी सीएफटी थी, सीएफटी टॉक्स अबाउट ओनली किसके बारे में बात कर रही थी, सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में, कहीं आपने पाई बॉन्ड्स के बारे में बात सुना सीएफटी में, नहीं कोई पाई बॉन्ड के बारे में बात नहीं सुना, नो टॉक अबाउट पाई बॉन्डिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं सुना, क्योंकि ये सिग्मा ही बॉन्ड बनते थे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होते थे चार्ज स्पेसीज के वेरिएंस में, चार्ज स्पेसीज में और सिग्मा बॉन्ड बनते थे, सिर्फ पाई बॉन्ड की कोई बात ही नहीं थी। और चौथे लिमिटेशंस की बात करूँ तो सिग्मा सीएफटी डजंट टेल्स अबाउट, किसके बारे में नहीं बोला हमसे, किसके, कि OH माइनस से स्ट्रॉन्गर H2O लिगेंड कैसा है, क्योंकि जब तुम सीएफटी आयनिक आयंस पे बेसिस हो कि आयनिक इंट्रैक्शन है तुम्हारे, आयनिक इंट्रैक्शन है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो चार स्पेसीज ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनानी चाहिए H2O से, जबकि एक्चुअल में होता क्या है H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है OH माइनस से। तो इस एक्सप्लेनेशन को भी सीएफटी मेरी बता नहीं पाया था। तो ये सब चार जो है बेसिक मेजर लिमिटेशन है सीएफटी की, ठीक है। चलो आप पूछ रहे हो कि सर आपने कैसे बता दिया कि कोई प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है, मतलब नो कोवेलेंसी की बात करी, नो कोवेलेंसी की, कोई कोवेलेंसी नहीं है, नो कोवेलेंट करैक्टर, पर आपको कैसे पता चला कि कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है इसमें। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे एविडेंस थे, मेरे पास क्या थे, बहुत सारे एविडेंस थे जिन्होंने मुझे बता दिया क्या कि इनमें कोवेलेंट करैक्टर भी होता है। आओ वो देख लेते हैं, एविडेंस ऑफ कोवेलेंसी, ये तो लिमिटेशंस होगी, उसके बाद एविडेंस ऑफ कोवेलेंसी देख लेते हैं, evidence of covalency देख लेते हैं, आओ evidence of covalency कि कोवेलेंसी के क्या क्या एविडेंस थे, किसने बताया मुझे कोवेलेंट करैक्टर होता है। मैंने कहा सबसे पहला तो मुझे मेरे किसने बना दिया, EPR और ESR स्पेक्ट्रा, EPR और ESR स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस ने, स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस के EPR और ESR स्पेक्ट्रा ने बता दिया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ किसका, IRCL6
टू माइनस ले लो, दिस इज ये कॉम्प्लेक्स है कोई इरिडियम हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्सेस में, इस कॉम्प्लेक्स में इरिडियम 4 प्लस में प्रेजेंट है। अगर मैं इसका ESR या EPR स्पेक्ट्रा लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी शो हो रही है, हाइपर फाइन लाइन्स शो होती हैं, हाइपर फाइन लाइन्स शो होती हैं। देखो ये ESR EPR में मैंने पढ़ाया, ठीक है, जब हाइपर फाइन लाइन शो होंगी तो उसका मतलब क्या है कि इरिडियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl- पर, जो इरिडियम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं क्लोरीन पे भी घूम रहा है। तो हम देखते हैं कि 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्लोरीन के पास एक इरिडियम की, इरिडियम की कितनी होती है 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तभी हो क्या कर पा रही है मेरी, जा पा रही है क्लोरीन के पास कहीं ना कहीं, तब कोवलेंट करेक्टर है। तो दूसरा बात करूं तो दूसरा मुझे बता दिया NMR स्पेक्ट्रा ने कुछ, मैं NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस ने। अब आप पूछोगे सर NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस ने कैसे बता दिया, मैंने कहा देखो जो मेरे आयनिक कॉम्प्लेक्सेस थे KMnF3, ठीक है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस थे मेरे, उनमें क्या होता है जब मैं इनका NMR फ्लोरीन NMR लेता हूँ, फ्लोरीन NMR लेता हूँ तो होता क्या है, मुझे पता चलता है कि मेरे फ्लोरीन और जो भी मेटल होता है, कुछ भी मेटल मान लो, मेटल फ्लोरीन कॉम्प्लेक्सेस हो गए जो भी, ठीक है, ये मेटल और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, शेयर्ड हो रही है कि मेटल के ऑर्बिटल फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पता चल रहा था मुझे कि इरिडियम के ऑर्बिटल और क्लोरीन के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल क्या है, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो हम देखते लोन पेयर ट्रांसफर टाइप होता था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था VBT में तो उसको हम बोलते थे कोवलेंट बॉन्डिंग, बेसिकली BBT हमारी टोटली बेस्ड थी कोवलेंसी पर, ठीक है। तो यहां फ्लोरीन NMR में मुझे क्या होता है, इस मेटल के इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं, क्या देखते हैं, मेटल के इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। ये बस जानने हैं आपको कि हां किस किस चीज से पता चला, तो इस चीज से पता चल गया। थर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं NQR स्पेक्ट्रा से भी पता चल जाता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस के, NQR स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस, NQR स्पेक्ट्रा ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस से कैसे पता चल जाता है, बेसिकली NQR इज न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस, क्वाड्रपल मतलब जहाँ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होती है। अब पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है भाई, कि 100% पोलैरिटी नहीं है, कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर है। तो बेसिकली बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो मेरी कॉम्प्लेक्सेस थे, बेसिकली मैं मान लूँ मेटल इस टाइप के कॉम्प्लेक्स थे, मेटल हेलोजन कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक है, इन इन सब के बॉन्डों में क्वाड्रपल रेजोनेंस आ रहा था, मतलब क्वाड्रपल हो रहा था, ठीक है, जिनको मेरी CFT प्योरली आयनिक मान रही थी, कहीं ना कहीं उनमें पोलैरिटी बन रही थी, और पोलैरिटी जब डाइपोल बनता है तो उसमें कोवलेंट में आयनिक करेक्टर होते हैं, ठीक है, आयनिक में कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट में आयनिक होते हैं, ठीक है, दो चीज़ होती हैं डाइपोल और फजांस। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आयनिक करेक्टर जनरेट हो रहे, वो कोवलेंट करेक्टर हैं, ठीक है। फोर्थ की बात बताऊँ तो फोर्थ एविडेंस मेरे पास मेरा जो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी दे देता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे दे देता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है बेसिकली CO Cl 4 2- ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो इसका क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं मेरे पास एक एविडेंस है किस चीज़ का, कि हाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आने से कोवलेंसी है, क्या है उसमें, कोवलेंसी है। और आयनिक स्पेक्ट्रम होता है तो मेरे शार्प पीक आती है, जबकि हाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ रहा है तो उसमें कोवलेंट करेक्टर। देखो जब जैसे मैंने CFT में जो CFT के कोवलेंसी के बारे में बात बता दी, तो ये कहीं ना कहीं जो भी मेरी लिमिटेशंस थी, जो मैंने इससे पहले बात करी थी कि पाई बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहा था, पी और एस ऑर्बिटल के बारे में नहीं कर रहा था मेटल के बाद, ठीक है, और लीगेंड के बारे में नहीं बता रहा था, क्यों OH- माइनस वीक है, क्यों H2O स्ट्रॉन्ग है, वो सब लिमिटेशंस मेरी कहीं ना कहीं मेरे किसको दूर करनी चाहिए, मेरे किसको दूर करनी चाहिए, LFT को। पर एक मैं कंपैरिजन यहाँ BBT और CFT में वैसे मैंने करा दिया था, तो जल्दी जल्दी देख लो कि ये क्या बताता है, कोवलेंट बॉन्ड बताता था, ठीक है, और ये क्या बता रहा था, आयनिक बॉन्ड बता रहा था, क्या बता रहा था, आयनिक बॉन्ड बता रहा था, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें बेसिकली BBT मेरी कोवलेंसी की बात कर रही थी, ये प्योरली आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहा था। आओ देखते हैं LFT किस चीज़ की बात करती है, तो अब हम अपनी LFT को स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिटेशंस याद रखेंगे क्योंकि मुझे लिमिटेशंस दूर करनी है, मैंने बताया ना आपकी नए वाले हैं, पुरानी वाली कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी, LFT, तो लिगेंड फील्ड थ्योरी है, बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे।
सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, किसका पढ़ता हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ये ML6 टाइप कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें तीन केस बन सकते हैं, पहला क्या, सिग्मा डोनर लिगेंड हो, ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा बन सकता है कि पाई डोनर लिगेंड हो, तीसरा क्या बन सकता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो। कैसा लिगेंड हो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो, तो ये केस बन सकता है। तो सबसे पहले हम सिग्मा डोनर का केस देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम सिग्मा डोनर का केस, ओनली सिग्मा डोनर, मतलब ओनली सिग्मा डोनर है, इसका मतलब क्या है, ओनली सिग्मा डोनर, सिर्फ सिग्मा डोनर का केस है। अब अगर मैं सिग्मा डोनर की बात करूँ, देखो सिंपल सी बात, देखो सिग्मा डोनर की बात करूँ तो मेरा सिग्मा डोनर कोई पाई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, सिर्फ क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा डोनर है, पाई ना ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि पाई लेने और देने वाले के अलग अलग केस हैं, तो सिर्फ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करूँ, तो मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करूँ, मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करूँ, तो यहाँ मैं डी ऑर्बिटल लूँगा, डी ऑर्बिटल के दो सेट होंगे मेरे पास, ई जी और टी टू जी सेट होंगे, डी ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद मैं क्या एस ऑर्बिटल लूँगा, एस ऑर्बिटल ए वन जी सेट हुआ होता है, ठीक है, ये 4s हो गया, ये मान लिया मैंने 3d हो गया। देखो एक चीज़ और ध्यान रख रहा हूँ, VVT और CFT में बात कर रहा था, जब मैं VVT और CFT में बात कर रहा था तो जो BVT में मेरे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते थे वही CFT में मेरे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वही इसमें कौन से होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन और पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और अनपेयर्ड वाले जो कॉम्प्लेक्स थे, अनपेयर्ड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। आओ तो मेटल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेटल के ऑर्बिटल्स देखता हूँ, इधर मेटल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेटल के ऑर्बिटल्स देखने स्टार्ट करा, तो मेरे पास क्या हो गए, ये 3D मान लिया, तो इसके क्या EG और T2G सेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने मान लिया 4S, तो इसका A1G सेट मिल जाएगा, उसके ऊपर मैंने मान लिया 4P, तो इसका क्या मानूंगा मैं, T1G सेट होगा, ये कौन सा सेट होगा मेरा, T1G। ऑक्टेटल की बात कर रहा हूँ, अब मैं अगर लिगेंड के ऑर्बिटल्स की बात करूँ, लिगेंड के ऑर्बिटल्स की बात करूं तो क्या होता है, यहाँ पे 6 लिगेंड मेरे L6 लिगेंड है, अब सब एक एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, अपना सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या होगा, इसके लिगेंड के जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, क्या फॉर्म कर लेंगे, ग्रुप, ध्यान रखना ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, और ग्रुप फॉर्म करके क्या बना लेंगे, LGO क्या होता है, लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, एक ग्रुप बना लेंगे, नियर लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल्स का ग्रुप ऐसे बनेगा, LGO ऐसे बनेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग हो, मेटल के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, ठीक है। अब मेटल के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो, और कौन से ऑर्बिटल के, जो कौन से ऑर्बिटल हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे मेरे इन बॉन्डिंग, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अकॉर्डिंग। आओ अब देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें पता है कि मेटल के पास 4s 3d d के सारे हैं, d के कौन कौन से होते हैं, ईजी में dx² - y² dz² और T2G में dxy dyz dxz होंगे, ठीक है, ये ऑर्बिटल होंगे। आओ हर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग उनके LGO देखते हैं। देखो 6 ऑर्बिटल हैं तो कितने ग्रुप बनाएंगे, और 6 LGO बनेंगे, 6 लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे 6, क्योंकि 6 ऑर्बिटल हैं, 6 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, 6 ही बॉन्ड की ज़रूरत है। आओ जानते हैं कौन कौन से होंगे वह मेटल के ऑर्बिटल्स, रख रहे हैं तो इसको साफ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सबसे पहले अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूँ, एस ऑर्बिटल के LGO की बात करूँ, एस ऑर्बिटल का LGO कैसे बनता है, देखो एस ऑर्बिटल क्या होता है, अगर मैंने ये तीन एक्सिस ले ली, ठीक है,
ये मेरी y, ये मेरी z और ये मेरी x। तो x मेरा s ऑर्बिटल सारे चारों तरफ फैला होता है सारी एक्सेस में, और इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इसका एलजीओ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सारी सारी एक्सेस से अप्रोच चाहिए, x से भी, y से भी, z से भी, एज वेल एज माइनस x से भी, माइनस y से भी, माइनस z से भी। और कैसी अप्रोच चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि इसका अंदर का लोब का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, लोब का साइन पॉजिटिव होता है बेसिकली। तो अब मैं देखूं तो मैं इसका एलजीओ लिखूं, एलजीओ ऑफ एस ऑर्बिटल, तो इसको मैं समेशन ऑफ क्या? सिग्मा एस, एस ऑर्बिटल का देख रहे हैं, क्योंकि हम एस ऑर्बिटल का एलजीओ लिख रहे हैं। तो क्या किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, किस किस की जरूरत पड़ेगी हमें? एक तो सिग्मा एक्स एक्सिस से प्लस सिग्मा ऑफ माइनस वाई एक्सिस, दिस इज द फेज। ये वाला जो साइन है, ये जो बीच वाला, ये फेज को बताएगा। क्या बताएगा? फेज को बताएगा। और ये अंदर वाला जो है प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये बता देगा मुझे किससे? ये बताएगा मेरे एक्सिस अप्रोच को। किसको बताएगा? ये जो बता रहा है, ये एक्सिस अप्रोच को बता रहा है, किस साइड की नेगेटिव एक्सिस से अप्रोच कर रही है। ये वाला जो है फेज को बताएगा कि क्या प्लस फेज है माइनस फेज है। एक्स से माइनस एक्स से, प्लस वाई से प्लस माइनस वाई से, प्लस जेड से प्लस माइनस जेड से। ठीक है, दिस ये छः की छः एक्सेस से अप्रोच कर रही है सिग्मा एस में। अब क्या हो गया, ये फंक्शन जो है मेरा एलजीओ सिग्मा एक्स का, ये नॉर्मलाइज नहीं है। क्या नहीं है? नॉर्मलाइज नहीं है। जैसे मैंने नॉर्मलाइजेशन क्वांटम में सिखाया हूँ या सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वांटम में क्या करते हैं, हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वन अपॉन में इन सब का जो कोफिशियंट है, जो इनके फंक्शन है एक्स से अप्रोच करने का ली ऑर्बिटल के सिग्मा, इन सब के कॉन्स्टेंट जो है, ये जो सब इनके कोफिशियंट है, इन सब का स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट में। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 बार ही तो है, तो 3, 4, 5, 6 बार। ठीक है, यही तो है, 6 बार ऑर्बिटल है, प्लस आगे यही ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सिग्मा एस समेशन कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 6 बार रूट 6। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा माइनस वाई प्लस सिग्मा जेड प्लस सिग्मा माइनस जेड। बहुत बार ये एलजीओ का फंक्शन, नॉर्मलाइज फंक्शन पूछा गया है नेट में, नेट गेट में हद बार किसी ना किसी ऑर्बिटल का पूछा जाता है, किसी ना किसी ऑर्बिटल का पूछा ही जाता है, हर बार सोच ही लेता है। तो नेट गेट में पूछा जा रहा है तो उनके तो पढ़ना है, प्लस जैम वालों को भी पढ़ना है, क्योंकि गेट और नेट के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो नेट जिसमें जैम में आने के इसके चांसेस पूरे हैं, नेट गेट वालों में तो आ ही रहा है तो उनको तो पढ़ना ही है। अब एस ऑर्बिटल का हो गया, आओ पी ऑर्बिटल के समझते हैं। किसके? पी ऑर्बिटल के। देखो सिग्मा भी पी बना रहा है। अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल की बात करूं तो पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है, इसको जेड मान लो, तो इस तरीके से होता है प्लस माइनस। तो मेरा एलजीओ कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो मेरा ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, तो इस साइड से प्लस फेज पॉजिटिव फेज और इस साइड से नेगेटिव फेज, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा माइनस है, तो समेशन ऑफ पी एक्स क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस, इधर फेज चेंज है, माइनस ऑफ सिग्मा माइनस एक्स, सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा माइनस एक्स। ठीक है, और इसके क्या करूँ, इसको नॉर्मलाइजेशन कर दूँ, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये भी कोफिशियंट 1 है 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 सिग्मा एक्स माइनस माइनस सिग्मा एक्स, दिस इज द पी एक्स का। इसी तरीके से पी वाई का देखूँ तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। इसी तरह से पी जेड का देखूँ तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 सिग्मा जेड माइनस माइनस सिग्मा जेड। ठीक है, अब मेरे पास d ऑर्बिटल्स बचे, कौन से ऑर्बिटल्स बचे, और d ऑर्बिटल्स बचे, इसको साफ ही कर लेता हूं, d ऑर्बिटल्स की कहानी सुनते हैं। d ऑर्बिटल्स की कहानी बहुत अच्छी है, मेनली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर या s ऑर्बिटल, इन सब के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ डी ऑर्बिटल्स की कहानी देखता हूं। डी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो मेरे पास दो सेट है, एक तो टी टू जी सेट है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। आप देख रहे हो कि ये मेरे सारे के सारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है,
जब मेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है और यहाँ बॉन्डिंग सिर्फ सिग्मा हो रही है, पाई ऑर्बिट बॉन्डिंग नहीं हो रही है, और हेड टू हेड अप्रोच है। कैसी है? एक्सियल अप्रोच होती है, मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब मैं सीएफटी पढ़ा रहा था। तो मेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल तो आएंगे ही नहीं, मेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली हेड टू हेड बनाएंगे नहीं, तो इनका कोई भी एलजीओ नहीं होता है, नो एलजीओ, इनकी सिमेट्री का कोई एलजीओ नहीं बनता है। जो मेरा ईजी सेट होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके एलजीओ मुझे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनके एलजीओ मुझे मिलेंगे, ठीक है। आओ इनके एलजीओ देखते हैं, इनके एलजीओ क्या क्या होते हैं। देखो अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये जो मेरा टी टू जी सेट हो जाएगा जिसका एलजीओ नहीं हुआ, ये नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा, ठीक है। आओ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का देखता हूँ। तो सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बना लूँ, ठीक है। दिस इज द ऑर्बिटल, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स पे पॉजिटिव वाई पे निगेटिव, इस तरीके से होता है, ठीक है। माइनस फेज कोई बता रहा है कि नेगेटिव बाई पर है। अगर मैं अप्रोच करूं तो एलजीओ यहां से आएगा पॉजिटिव, यहां से आएगा नेगेटिव, यहां से आएगा पॉजिटिव, यहां से आएगा नेगेटिव। तो इसका समेशन लिखूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सिग्मा, तो इसकी ये कैसा आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे, समेशन सिग्मा डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन रूट फोर यानी वन अपॉन टू, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। ये किसका हो गया? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आओ लास्ट हमारा बचा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने यार। देखो भाई मेटल का जो 4p ऑर्बिटल होगा वो हमेशा t1u होगा। बाई मिस्टेक, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मिस्टेक नहीं पाप ही कर दिया ये तो। 4p ऑर्बिटल t1u होगा। देखो p ऑर्बिटल्स में सेंट्रल ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ये पॉजिटिव फेज होता है, ये निगेटिव फेज होता है, इसमें सेंट्रल ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल क्या होते हैं? अनजीरेड ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? अनजीरेड ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो ठीक है, 4p हमेशा t1u होगा, T1U होगा भाई, 4P हमेशा T1U होगा। पता नहीं T1G कैसे लिख दिया, ठीक है, T1U होगा, ये याद रखना यार, ये तो पता नहीं गलती कर दी। आओ अब बात करता हूँ मैं DZ² की, जो मेरा लास्ट ऑर्बिटल बचा है और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका ही है LGO, जो है सबसे इंपॉर्टेंट है DZ² का। तो DZ² की बात करूँ तो DZ² कुछ इस तरीके से होगा। ये अगर Z एक्सिस होगी तो इस पर मोटू सा होगा, ठीक है, और ये एक रिंग टाइप होगा। रिंग किस एक्सिस में होता है? रिंग जो होता है एक्स वाई में, ये पॉजिटिव लोब होती है और ये जो रिंग होता है इसका साइन निगेटिव होता है। तो ZX² की तरफ से ऊपर से भी चाहिए एक मोटू सा, नीचे से भी चाहिए, एक ऊपर से भी चाहिए एक नीचे भी से भी चाहिए। तो देखो ये डबल, ये जो जेड पर होता है डबल से मिलकर बनता है। आपको पता है DZ² DX² माइनस Z² और DY² माइनस Z² से मिलकर बनाया, मतलब Z² पर दो एक्सेस आ रही हैं। तो अगर मैं इसका समेशन लिखूं, समेशन ऑफ सिग्मा Z², तो दो तो मेरे किस पर हो गए? टू ऑफ सिग्मा जेड प्लस टू ऑफ सिग्मा माइनस जेड पर, क्योंकि पॉजिटिव फेज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और प्लस एक्स वाई एक्सेस में निगेटिव है तो सब में निगेटिव आएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। देखो ये याद रखना, ये टू कहाँ से लाया मैं, क्योंकि मैंने बताया था जब मैंने डी ऑर्बिटल्स बताए थे तो DZ² DX² माइनस Y² और DY² माइनस Z² दो ऑर्बिटल से मिलकर बना है, जेड दो बार आता है, तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वन अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में इन्हें माइनस वन भी ले लेना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने वन वन लिख दिया प्लस वन, अगर मैं इनको प्लस करके माइनस वन प्लस माइनस वन भी ले लूँ तो भी वन ही आएगा, इसलिए मैं सच कुछ माइनस वन लेंगे वैसे इसको, ठीक है, कि इसको प्लस माइनस वन कोफिशियंट मान लो इसका, ठीक है, ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। तो पर उससे स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस ही लिख दे रहा हूँ, वो इतना बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। तो इसका नॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगा? वन अपॉन चार चार आठ और चार बारह अंडर रूट ट्वेल्व वन अपॉन रूट ट्वेल्व, ठीक है, टू सिग्मा जेड प्लस टू
सिग्मा माइनस जेड माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई, दिस इज द डी जेड स्क्वायर का, किसका हो जाएगा समेशन डी जेड स्क्वायर का, ठीक है। ये हद इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, बोलेंगे मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस वन का स्क्वायर, बात एक ही है, वो एक ही बात हो जाएगी ठीक है, उसमें इतना नहीं जाना, कंफ्यूज ना हो, वैसे स्टैंडर्ड माइनस वन का स्क्वायर ही लिखेंगे ठीक है कोफिशियंट, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वन ही बन जाएगा। आओ अब एलजीओ देख लिए हैं, अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखता हूं मैं, क्या देखता हूं, एमओ डायग्राम देखता हूं, किसका, मेरे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, सिग्मा डोनर के केस का, सब देख लिया। अब एलजीओ की तरफ चलेंगे, एलजीओ भी देख लिए, 6 एलजीओ बन गए मेरे, आओ अब इसका मैं एलएफटी डायग्राम देखता हूं, क्या देखता हूं, एलएफटी डायग्राम, तो इधर मेटल के ऑर्बिटल्स, मेटल ऑर्बिटल्स ठीक है, और इधर मेरे एलजीओ आ जाएंगे किसके, लिगेंड के, और बीच में क्या आ जाएगा मेरा, बीच में मेरा आ जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ठीक है, याद रखना एक एक करके बताऊंगा। ये एलएफटी है ऑक्टाहेड्रल का, सिग्मा डोनर वाले केस का ठीक है, याद रखेंगे। मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करूँ तो मेरे पास क्या थे, क्या थे, क्या थे, टी टू जी ऑर्बिटल थे, दो ई जी ऑर्बिटल थे, अलग अलग करके लिख लिए। उसके बाद मेरे पास क्या था, एक ए वन जी ऑर्बिटल था, जो किसका था, 4s का था, ये 3d के थे। उसके बाद मेरे पास 4p के ऑर्बिटल थे, जिनको मैं T1U बोलूँगा, क्या बोलूँगा, T1U, पहले पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने T1G, पता ही नहीं, T1U बोलूँगा ठीक है। अब मेरे पास जो LGO हैं वो 6 LGO हैं, कितने LGO हैं, 6 LGO हैं, आपको पता है, तो 6 LGO एक साथ लिख दो इनको, 6 को सेम एनर्जी के, और इसमें एसिमेट्री क्या क्या है, एलजीओ की ए वन जी है, ई जी है, क्या है, ए वन जी है, ई जी है, और टी वन यू है। टी टू जी की सिमेट्री का कोई एलजीओ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि पाई बॉन्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा ए वन जी और ए वन जी दोनों सिमेट्री से क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना लेंगे, कौन कौन से, सिग्मा ए वन जी, सिग्मा बॉन्डिंग ए वन जी। उसके बाद इनका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, इनका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, सिग्मा ए वन जी एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद ई जी मिलके बनाएंगे, तो ई जी बॉन्डिंग ठीक है, तो ये बना जाएगा ई जी बॉन्डिंग मेरा सिग्मा ई जी, सारे ऑर्बिटल सिग्मा बनेंगे, सिग्मा ओवरलैप है, और इसी तरीके से क्या बन जाएगा मेरा ई जी एंटी बॉन्डिंग, क्या बन जाएगा, ई जी एंटी बॉन्डिंग। टी टू जी का कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो ये टी टू जी एक दो तीन, यानी तीन ऑर्बिटल मेरे टी टू जी नॉन बॉन्डिंग, कैसे रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे, टी टू जी नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे ठीक है। अब टी टू जी नॉन बॉन्डिंग रह गए, अब मेरा टी वन यू है, टी वन यू की सिमेट्री है, बिल्कुल है, तो टी वन यू यहाँ इंटरेक्ट करके टी वन यू बॉन्डिंग सिग्मा टी वन यू बॉन्डिंग, यहाँ से आया हुआ सिग्मा टी वन यू जी ऐसा आ गया, टी वन यू ऐसा आ गया, ये सब बॉन्डिंग बनेंगे, इससे नीचे एनर्जी है, और इसका टी वन यू का एंटी बॉन्डिंग इससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एनर्जी ऊपर है ठीक है, टी वन यू का एंटी बॉन्डिंग। देखो क्या होगा, टी वन यू का एंटी बॉन्डिंग इससे सिग्मा स्टार ए वन जी से ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि ऑलरेडी टी वन यू की हाई एनर्जी बहुत ज़्यादा थी ठीक है। जनरली ऐसा होता है, जिसका बॉन्डिंग नीचे होता है उसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है, पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा होता है कि इन ऑर्बिटल्स पर लिगेंड का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, जो बॉन्डिंग कैरेक्टर आ रहे हैं वो टी वन यू लिगेंड वाले के ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिगेंड वाले की तरफ से एनर्जी नीचे रहेगी, और इसमें जो मेरा मेटल के टी वन यू की वजह से था वो ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी के थे, और उन्हें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जो ओवरलैप हुए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, वो ए वन जी की एनर्जी को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, आपको पता है एस और पी का ठीक है, मतलब आपको लगेगा एस पी में वैसे छोटा होता है, पर एज कंपेयर यहाँ अगर मैं मान करूँ ऑर्बिटल्स की ओर, क्योंकि यहाँ तो सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ना, डीजनरेट के कंपेरिजन में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है ठीक है। आगे बात समझ में, अब मेरा, अब एक चीज़ मेरे सामने देखो, जो मेरा ये टी टू जी है और ये ई जी स्टार है,
ये इन दोनों के बीच के गैप को ही मैं डेलो बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डेलो। अगर आप देखोगे ये मेटल का T2G और EG और ये मेटल का EG यहाँ आ रहा है, T2G यहाँ जा रहा है और मेटल का EG। ये जो EG आएगा ये मेटल का होगा बेसिकली, और ये जो EG स्टार आया वो मेटल का होगा। ये जनरली जो EG बॉन्डिंग आया इस पर लीगेंड के करेक्टर ज़्यादा होंगे, मतलब दोनों की मिक्सिंग से आया पर लीगेंड के करेक्टर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से CFT डायग्राम निकालने को बोलूं, तो देखो ये जो डायग्राम जो मैं गोला कर रहा हूं, बड़ा सा गोला बना रहा हूं, ये मेरा CFT डायग्राम नहीं दिख रहा आपको? CFT डायग्राम कि मेटल को ऑर्बिटल बनाए, स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में, ऑक्टेहेड्रल में ऐसे ही तो होता था और डेलो उनके बीच का गैप हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक्चुअल में ये मेरे BBT ने बताया कि जो मैं T2G बात कर रहा था जिसे नीचे ले जाता था वो एक्चुअल में बॉन्डिंग ही है, वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, और जो मेरा एंटी बॉन्डिंग है जो मेरा है EG ऊपर चला जाता है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये T2G था, EG था, और ये T2G नॉन बॉन्डिंग रह गया, T2G नॉन बॉन्डिंग रह गया, और इसका EG क्या चला गया, एंटी बॉन्डिंग, और इन दोनों के बीच का गैप डेलो। यही मेरी CFT है, मतलब LFT डायग्राम। हर एक LFT डायग्राम मेरे CFT डायग्राम को इनबिल्ट अपने अंदर लेकर घूमता है, मतलब अपने अंदर कंटेन करता है। तो मेरा LFT डायग्राम ने CFT डायग्राम को कंटेन कर रखा है। तो अब मुझे एक चीज और पता चल गई, ऑक्टाहेड्रल में सिग्मा डोनर में डेलो जो गैप होता है वो T2G नॉन बॉन्डिंग और EG एंटी बॉन्डिंग का होता है। ये T2G डी ऑर्बिटल के हैं और इसमें भी प्योर डी करेक्टर है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स ही आए हैं, जबकि हम टेट्राहेड्रल में देखेंगे तो वहां PD करेक्टर आएंगे, PD मिक्सिंग्स की वजह से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब अगर मैं इनकी फिलिंग स्टार्ट करूं, देखो एक चीज और मैं बता दूं यहीं कि आप LGO और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कंफ्यूज मत होना भाई, LGO और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। देखो LGO सिर्फ एक क्या है, ग्रुप है, सिर्फ ऑर्बिटल आके ग्रुप बना रहे हैं, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। आगे बस समझ में, LGO में एनर्जी चेंज नहीं होगी, जो एनर्जी ग्रुप्स की थी वो पहले वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, और जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपने देखा है एनर्जी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, एनर्जी बदल जाती है, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा एनर्जी को जाएंगे कुछ कम के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता LGO में, LGO में एनर्जी क्या रहेगी, क्या वही रहती है जो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थी, बस वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ग्रुप। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, हाइब्रिड बन जाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। आओ अब फिलिंग करते हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल लूं, CO F6 3 माइनस। आपको समझ में आ गया होगा कि CO प्लस 3 में है, F माइनस मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, F माइनस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, CO प्लस 3 में, देखो ठीक है। तो CO प्लस 3 में क्या होएगा, D6 होएगा और हाई स्पिन बनेगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, D6 हाई स्पिन। तो सीधे CFT डायग्राम में भरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरीके से फिलिंग करते थे CFT डायग्राम में, इसी तरीके से हमने यहाँ फिलिंग कर दी। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने, 1 2 3 4 5 6, नॉन बॉन्डिंग कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इसकी एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्या, कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, ठीक है। देखो अब ये तो भर दिए मैंने मेटल के, अब आप पूछोगे सर ये नीचे के लेसर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स खाली रह जाएंगे क्या, मैंने कहा पागल हो, ये जो 6 लीगेंड है हर इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कर रहा है, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से मिलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं ये लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से फिल होते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो 12 लीगेंड के आगे उसके बाद मेरे जो मेटल के स्टार्ट हुए 6 वो ऐसे आएंगे, ठीक है, 12 लिगेंड के आगे फिर मेटल के कैसे आएंगे, 6 ऐसे आएंगे जो मैंने फिल करके दिखा दिए। तो मैंने डायरेक्ट मेटल के फिल करके दिखा दिए, क्योंकि लिगेंड के तो अंडरस्टूड ही है मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे CONH3 का होल 6
3+, तो यहाँ NH3CO+3 के साथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मेरा यहाँ D6 लो स्पिन होएगा। D6 लो स्पिन में क्या होगा, फिलिंग देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या बन जाएगा, T2G नॉन बॉन्डिंग 6 और EG एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं। देखो ये नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं, पहले बारे में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन थे तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर सब बता सकते हैं, वो तो CFT नहीं देख लिया। देखो अब CFT की लिमिटेशन देखते हैं, दूर क्या किसने क्या मेरी खत्म करी क्या CFT की लिमिटेशन, मैंने कहा हाँ देखते हैं। ये S और P ऑर्बिटल कंसिडर कर रहा है, हाँ कंसिडर कर रहा है। क्या ये कोवेलेंसी को बता रहा है, बिल्कुल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए मैंने, कौन सा डायग्राम बनाने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि मेरे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी मेरा मेटल भी शेयर कर रहा है और लिगेंड भी शेयर कर रहा है, मेटल के इलेक्ट्रॉन भी मेरा मेटल भी शेयर कर रहा है और लिगेंड भी शेयर कर रहा है, हाँ इसमें कोवेलेंसी कैरेक्टर भी आता है। क्या इसने पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्डिंग को कंसिडर करा, इस वाले डायग्राम में तो नहीं करा, क्योंकि मैंने माना ही ये सिग्मा डोनर का केस था और सिग्मा डोनर में पाई बॉन्डिंग होती नहीं है, तो जो पाई ऑर्बिटल वाले डायग्राम बनेंगे उनमें पाई बॉन्डिंग कंसीडर करूंगा। अब इसमें OH- और H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और कैसे H2O कैसे स्ट्रॉन्ग होता है और OH- कैसे वीक होता है, वो भी मेरे MO डायग्राम बताएंगे, MO डायग्राम बताएंगे आगे चल के कैसे बताएंगे, ध्यान में बताऊंगा मैं। तो दो लिमिटेशंस तो इसने एक्सप्लेन कर दी CFT की, एक तो क्या P और S ऑर्बिटल को भी कंसीडर किया, दूसरा इसने कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया। अब मेरी तीसरी क्या रह रही है, पाई बॉन्डिंग वाली, और चौथी क्या रह रही है मेरी कि H2O क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दो लिमिटेशन अभी एक्सप्लेन करनी रह गई, वो अगले हूं LFT डायग्राम से मैं कर दूंगा। देखो ये LFT डायग्राम बनाने आने चाहिए, पता होना चाहिए बेसिकली, जो मेन मुद्दे की बात होगी वो मैं बाद में बता दूंगा कि क्या तो तुम्हें याद करना है, टेक होम पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या पॉइंट याद रखना है। आओ अगला केस समझते हैं, पाई बॉन्डिंग्स का LFT डायग्राम किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग के केसेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किसके पाई बॉन्डिंग के केसेस, पाई बॉन्डिंग के केसेस देखने। तो पाई बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, पाई डोनेशन की अगर मैं बात करूं, पाई डोनेशन या डोनर की बात करूं, तो पी ऑर्बिटल से डोनेट करेगा मेटल, किससे करेगा, पी ऑर्बिटल से कौन डोनेट करेगा, मेटल। और अगर मैं पाई एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्टर की बात करूं, तो एक्सेप्टर कहाँ होगा, या तो सिग्मा स्टार में होगा या फिर किस में होगा, पाई स्टार में होगा, किस में होगा, सिग्मा स्टार या पाई स्टार। डोनेशन हमेशा कहाँ से होगा, पी ऑर्बिटल से होगा। ठीक है, लिगेंड की बात कर ली तो ये एक्सेप्शन हो गया, ये सॉरी मेटल की बात करी, एक्सेप्टर हो गया सिग्मा स्टार में पाई स्टार में, डोनेशन कहाँ से होगा, पी ऑर्बिटल से डोनेशन होगा। ठीक है, आओ बात करते हैं, जो भी होगा पी ऑर्बिटल से, किसके किसके पी ऑर्बिटल से होगा, लिगेंड के पी ऑर्बिटल से ही तो होगा, सॉरी मैंने मेटल के बोलते हैं, लिगेंड के पी ऑर्बिटल से जब डोनेट करेगा, पाई डोनर लिगेंड होते हैं वो लिगेंड के पी ऑर्बिटल से डोनेट करते हैं, जो एक्सेप्टर होते हैं पाई एक्सेप्टर, वो या तो सिग्मा स्टार या पाई स्टार में एक्सेप्ट करते हैं। ये सब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ, कि लिगेंड में ही तो ये केस होता है जनरली। ठीक है, तो अब दो अलग अलग केस बन गए, एक तो पाई डोनर का केस बन गया, एक पाई एक्सेप्टर के केस बन गया। आओ अब पाई एक्सेप्टर और जो पाई डोनर होते हैं, देखो मैंने देखा था कि मेटल ये है, ठीक है, ये लिगेंड था, ये तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। पाई बॉन्ड के लिए अगर लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल है, लिगेंड के क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये मेटल के MPTD ऑर्बिटल में डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये नॉन एक्सियल होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, तो इन नॉन एक्सियल के, ये तो हो गया पाई डोनर का केस, पाई डोनर का केस। अगर मैं पाई एक्सेप्टर का केस मानूं, पाई एक्सेप्टर का केस मानूं, ठीक है, तो ये मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल डोनेट करते हैं, पाई एक्सेप्टर में अगर डोनेशन मानूं मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, ये लिगेंड का सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इसके वैकेंट वैकेंट क्या होगा, या तो सिग्मा स्टार होगा या पाई स्टार होगा। जो मेरे मेटल के फील्ड ऑर्बिटल होंगे ये भी मेरे क्या से होंगे, नॉन एक्सियल होंगे, कैसे होंगे, नॉन एक्सियल होंगे। नॉन एक्सियल कौन से होंगे, मतलब मेरे T2G टाइप ऑर्बिटल होते हैं, कौन से होते हैं, T2G टाइप होते हैं, नॉन एक्सियल T2G टाइप होते हैं, ठीक है। और ये मेरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड का केस बन गया, तो मतलब यहाँ मेरी पाई बॉन्डिंग यानी मेरे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी मैं कंसिडर करूँगा, तो नॉन एक्सियल के LGO भी मिलेंगे। तो नॉन एक्सियल के LGO या नॉन एक्सियल के
LGO या LGO बोल दो या ग्रुप थ्योरी में इनको साल के भी बोलते हैं, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये LGO, तीन LGO मिल जाएंगे और इनकी सिमेट्री क्या होगी, बिल्कुल T2G ही सिमेट्री होगी, T2G सिमेट्री के तीन LGO मिल जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। T2G सिमेट्री के तीन LGO मिल जाएंगे, इसके लिए मुझे पाई बॉन्डिंग के लिए, तो अब टोटल 9 LGO होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो आओ अगर मैं LFT डायग्राम देखूँ, पाई डोनर, किसका देखूं, पाई डोनर का देख रहा हूं, देखो पाई डोनर का ध्यान रखना, पाई डोनर का। तो मेटल के ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, 3, 4, 5, ये T2G, ये EG, ये क्या है A1GS, ये क्या है T1U, यानी मतलब ये क्या है, देखो T1U यानी ये 4P 4S और 3D की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं यहां मेरा पाई डोनर का केस है, ना कि एक्सेप्टर का, डोनर याद रखेंगे, इधर मैं LGO बनाऊंगा, तो LGO मेरे पहले तो 6 LGO तो पहले ही हैं, ठीक है, प्लस 3 LGO और आ जाएंगे, याद रखना, ठीक है। पहले LGO की सिमेट्री क्या थी, A1G EG T1U के तीन LGO थे, ठीक है, ऐसे थे ना। अब देखता हूँ क्या मुझे तीन LGO जो T2G सिमेट्री के मिले हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी एनर्जी देखता हूँ। देखो अगर मैं डोनेशन की बात करूँ, ठीक है, डोनेशन की बात करूं तो जो मेरे, इसको थोड़ा ऊपर बनाओ यार, तो जो उनकी एनर्जी होगी मेरे तीन LGO की वो क्या होगी, कम होगी। जो डोनेट होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील्ड होगी, बेसिकली वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, क्या होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, और उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा एक्सेप्टर की, तो पी ऑर्बिटल्स के जो T2G ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वह एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार या पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, बेसिकली ये LGO है। अगर मैं देखो बाकी सब तो मिक्सिंग सेम है कि A1G से मिलके ये बना लेगा A1G बॉन्डिंग, और उसी तरीके से A1G एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये बन गया T1U, वही बना लेगा, ठीक है, ये सब वही बनेंगे T1U, ठीक है। EG मिलके मेरा वही बना लेगा EG, ठीक है, EG बॉन्डिंग, और ऊपर इसी तरीके से EG एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। अब मेरे क्या, ये तो मेरे कंसर्न का मतलब नहीं है, ये तो सब बना लिया। अब मेरा जो T2G है, ठीक है, बेसिकली वो T2G का क्या केस है, देखो जो T2G ये है मेटल वाला, ये तो ऊपर जाएगा और ये बना लेगा T2G एंटी बॉन्डिंग, क्या बना लेगा, T2G एंटी बॉन्डिंग। और जो लीगेंड का T2G करेक्टर था जिसमें LGO ऑफ लीगेंड था, वो नीचे आ जाएगा और वो क्या बना लेगा, T2G बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ मेरे पास एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैंने बताया कि मेरे मेटल का T2G करेक्टर ये वाला है, मेटल का ये है, और ये LGO की वजह से आए हैं, ये EG और T2G ये जो आए हैं नीचे बॉन्डिंग में, ये मेटल के करेक्टर की वजह से आए, उस LGO के करेक्टर की वजह से आए हैं, लीगेंड के करेक्टर की वजह से एनर्जी कम है, मेटल वाले तो ऊपर गए। तो मेरा डेलो कौन सा गैप होगा, डेलो मेरा ये वाला गैप होगा, क्या होगा, डेलो मेरा गैप होगा दो एंटी बॉन्डिंग, T2G एंटी बॉन्डिंग और EG एंटी बॉन्डिंग के बीच का। तो अब मैं अगर CFT डायग्राम देखूं, तो मेरा CFT डायग्राम ये है, इस बार क्या है, ये है, देखो मेरी जहाँ जहाँ वो चला, ये मेरा CFT डायग्राम है, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो मेरा ये इस तरीके से हो जाएगा T2G एंटी बॉन्डिंग और इसके ऊपर EG एंटी बॉन्डिंग, दिस इज डेलो, ये होया मेरा किसका केस, पाई डोनर का केस। इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके देख सकते हैं, कोई भी पेयरिंग नहीं होती है पाई डोनर वाले केसेस में, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ऊपर बहुत कम होता है, डेलो कम होगा। और पाई एक्सेप्टर का केस देखो, तो देखो सब कुछ ऐसे ही बना रहने देना है, थोड़ा इसको क्या कर दूं, मैं पाई डोनर की जगह पाई एक्सेप्टर कर दूं, तो पाई एक्सेप्टर के केस में जो मेरे ये T2G का LGO होगा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, बेसिकली सिग्मा स्टार या पाई स्टार बताया, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, तो ये T2G LGO यहाँ आ जाएगा, T2G के LGO ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 2, 3, 4, 5
T2G, EG, 3D, ठीक है। और ये जो LG होगी ये हटा दे, साफ कर ही देता हूँ यार, दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। A1G, EG, T1U, ठीक है। लो ये मेरा किसका बना रहा हूँ मैं, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर का। तो पाई एक्सेप्टर का ध्यान रखना मुझे क्या, A1G से मिल गया, ठीक है, A1G बना दिया। EG से मिल गया, EG बॉन्डिंग बना दिया, इनके सबके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। A1G एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से EG एंटी बॉन्डिंग, T2G, देखो इस बार मेटल का T2G नीचे है भैया, और लिगेंड का T2G ऊपर है, तो इधर क्या जाएगा, मेटल का T2G कहाँ जाएगा, 1, 2, 3 नीचे, मेटल का T2G, इसको पहले, मेटल का T2G कहाँ जाएगा, नीचे 1, 2, 3, और लिगेंड का T2G कहाँ जाएगा, स्टार एंटी बॉन्डिंग ऊपर, T2G स्टार यहाँ। देखो इसको ऊपर भी मान सकते हैं, इससे नीचे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। T2G एंटी बॉन्डिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिकली ये T2G बॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा, और इसमें किसका है, मेटल का है बेसिकली। अगर मैं T2G बॉन्डिंग और इसका जो T1U है वो T1U यहाँ आ जाएगा, T1U यहाँ आ जाएगा, T1U और ये ऊपर T1U यहाँ कर दो, T1U एंटी बॉन्डिंग। तो इस बार जो मेरा डेल होगा, देखो T2G बॉन्डिंग और EG एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप है, और पाई एक्सेप्टर में डेलो बहुत बड़ा होता है, ये बात भी पता है मुझे। तो मेरा इस बार जो मेरा CFT डायग्राम होगा वो ये है, ध्यान रखना जहाँ भी लाइन खींची है, ठीक है, एक ही कलर का मार्कर है मेरे पास अभी, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और इस बार 1, 2, 3 T2G, अरे ये एक्चुअल में T2G और EG एंटी बॉन्डिंग, ये किसका हो गया, मेटल पाई एक्सेप्टर लिगेंड के करेक्टर में, किसके करेक्टर में, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के करेक्टर में, ठीक है। तो देखो तीसरी लिमिटेशन CFT की दूर हो रही है कि पाई ऑर्बिटल्स को भी कंसीडर कर रहा है, पाई बॉन्डिंग को भी कंसीडर कर रहा है। ये जो T2G के साथ जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं पाई बॉन्डिंग, ये वाले बन रहे हैं पाई बॉन्डिंग वाले T2G वाले, बाकी सब सिग्मा ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इस LFT में। LFT डायग्राम में इतना बता रहा हूँ, बाकी तो वो तो सारे डायरेक्ट मैं बताता हूँ, टेक होम पॉइंट क्या है लास्ट में अभी बता देता हूँ, फिर ऑक्टेंटल के LFT डायग्राम को रेस्ट दे देंगे और टेट्राहेड्रल की तरफ बढ़ जाएंगे। और टेक होम पॉइंट ये है, एक तो LGU जानने हैं, LGU क्या क्या हैं, किसके क्या बनते हैं, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तीन केस बने, एक तो सिग्मा डोनर का केस बना, तो इसमें मैंने देखा जो मेरा T2G है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग, और EG क्या है, एंटी बॉन्डिंग। दूसरा मैंने देखा पाई डोनर का केस, किसका केस देखा, पाई डोनर का केस, पाई डोनर में क्या है, 2, 3 EG एंटी बॉन्डिंग है और T2G भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। उसके बाद देखा मैंने पाई एक्सेप्टर का केस, और पाई एक्सेप्टर में देखा T2G मेरा क्या है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, और मेरा EG क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, EG क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो इसके केस में ये डेलो है, इसके केस में ये डेलो है, और इसके केस में ये डेलो है। तो आप सबको पता चली गया होगा कि डेलो सबसे ज़्यादा केस में किस में बड़ा है, पाई एक्सेप्टर में, इसलिए इसमें क्या होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है। सिग्मा डोनर में उससे कम, सबसे कम पाई डोनर लिगेंड्स में, पाई डोनर लिगेंड्स कौन से होते हैं, OH माइनस टाइप, F माइनस टाइप। पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से होते हैं, CN माइनस CO ऐसे लिगेंड, और सिग्मा डोनर लिगेंड कैसे होते हैं, H2O NH3। अब देखो यहाँ से मुझे एक और चीज़ से पता चल गई जो मेरी फोर्थ लिमिटेशन थी कि H2O क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है OH माइनस से, क्योंकि H2O वाले केस में जो मेरा डेलो है उसकी वो बड़ा है किससे, डेल ऑफ OH माइनस के केस में। तो ये बता देता है कि H2O मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है OH माइनस से, लेफ्टी ने बता दिया, ये लिमिटेशन भी दूर कर दी। प्लस ये सबसे ये टेक होम पॉइंट है कि इसमें दो, एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग का गैप होता है सिग्मा डोनर में, पाई डोनर में दो एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप होता है डेलो, और पाई एक्सेप्टर में एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप होता है डेलो। तो यहाँ मेरे ऑक्टाहेड्रल के बेसिकली LFT डायग्राम खत्म होते हैं। आओ अब हम मूव करते हैं अपने टेट्राहेड्रल की तरफ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। टेट्राहेड्रल में चार लिगेंड होते हैं बेसिकली,
और याद रखना जो LGO है, नंबर ऑफ LGO, वो बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ना कि नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पर, ठीक है।